अब झूम है वो भी धुन पे मेरे जो मुझको नहीं है जानती सीन गोना ड्रिप अप एंड वाइस पिक्ड अप आईज नेवर ब्लिंक अप एम इज क्लिंग अप नेवर गोना फ्लिप अप सिलेबल स्टिप्ड अप लिरिकल क्रिमिनल अनफकेबल विजनल पिनिकल बिबलिकल मिथिकल टिपिकल 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 फिक्शनल विजिबल गलीबल मिनिमल विजनल मैक्सिमल फेटल आई एम अ फकिंग रेब मरने लगे हैं तो आप देख सकते हैं ये महाराज, इसने कहा था मैं रात भर जागूंगा, ड्राइंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और देखो आप। सो गाइज स्टार्ट करते हैं नया ब्लॉग, और आज का जो ब्लॉग है वो उसमें मैं बनाने वाला हूँ एक हाफ स्लीव टाटू। तो ये टाटू का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, बिकॉज पूरा जो आगे पीछे फोरआर्म का साइज़ है वो पूरा कंप्लीट करना है, भाई के हाथ पे बनाना है। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है बिकॉज हमारा प्रिंटर ख़राब हो गया था, ना होने के कारण टाइम लग गया। और यहाँ पे अक्की भाई कर रहा है टाटू की स्टेंसिल के लिए क्लीनिंग। तो सर कहाँ से आए आप? प्रॉपर सागर से? तो स्पेशली टाटू के लिए आए? ओके, तो सर का टाटू है, तो आज कुछ स्पेशल है सर जो आप टाटू बना रहे हैं या फिर रेंडम ऐसे? नहीं सर, स्पेशल नहीं, बस आज टाइम मिल गया। अच्छा, टाइम मिल गया इसलिए। और जिसका टाटू बना रहे हैं वो किसका है? सर पापा। अच्छा, पोर्ट्रेट टाटू है। तो गाइस सर का टाटू स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू ब्लॉग चलता रहेगा, तो आप लोग देखते रहिए। तो गाइस सर का टैटू स्टार्ट कर चुका हूँ, और सर एक फोरआर्म पे बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन है, थोड़ा सा कंसेप्ट फुल किया है। देखिए आप नीचे मतलब उनका और उनके फादर का एक इमेज करा लिया है, नीचे लिखा है माय डैड इज माय हीरो, और ऊपर जो है उनके फादर का पोर्ट्रेट है। तो सर आज टैटू बनाने का रीज़न, आज आप टैटू क्यों बनाए? रीज़न इसलिए सर कि आज टाइम मिल गया थोड़ा सा, और आपको भी मिल गया, तो इस वजह से। अच्छा, आप सर एक्चुअली बाहर से हैं, प्रॉपर कहाँ के हैं सर? सागर मध्य प्रदेश से। सागर मध्य प्रदेश से थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करके आए हैं, और सर की दो तीन दिन से अपॉइंटमेंट चल रही है, आज फाइनली सर आ चुके हैं। मॉर्निंग के निकले थे सर, कब निकले आप अपने सागर? सर मैं सुबह 5:30 पे निकला था। सागर 5:30 पे बस से? नहीं सर, ट्रेन से। ओके, तो सर आ गए हैं फाइनली, तो सर का टैटू भी स्टार्ट हो चुका है। सर यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला आपको? सर मेरे को एड्रेस आपकी YouTube से मिला था सर, YouTube चैनल से। YouTube देख के आए? जी सर, फिर आपका बर्थ देखा मैंने जी, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया। ओके जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा अंकुर कुमार, अंकुर कुमार दानक। अंकुर कुमार जी। ओके, तो सर ये जो टैटू बना रहे हैं फादर का पोर्ट्रेट है? जी जी सर। तो फादर क्या करते हैं सर? सर वो आर्मी में थे सर, MS में, आर्मी MS में। अच्छा, आर्मी में थे जी। तो आज उनको पता है ये टैटू बना रहे हो आप? नहीं सर, सरप्राइज है। तो फादर के लिए सरप्राइज, तो फिर ये टैटू बना के आप डायरेक्ट सागर निकलेंगे? जी सर। ओके, तो गाइस टैटू थोड़ा सा लंबा सेशन है आज का, बाकी बच्चे लोग भी आ गए हैं, बच्ची आ गई है, आयुष भी आ जाएगा, तो टैटू चलते रहेंगे कंटिन्यू, तो थोड़े टाइम बाद में दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। जो वो साथ में बेबी का वो था डिज़ाइन का, वो कंप्लीट हो गया है। तो लेकिन हो ये रहा है कि हमें आज ब्लॉग अपलोड करना है, तो ब्लॉग का रेंडर निकल रहा है मोबाइल से, तो इसके शूट नहीं हो पा रहे, और रेंडर बार बार फेल हो रहा है। तो अभी मैं ऊपर का काम करता हूँ और मोबाइल को फिर से डालता हूँ रेंडर पर, ताकि वो ब्लॉग का रेंडर निकल जाए, और फिर थोड़े टाइम में पोर्ट्रेट कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाता हूँ।
सो गाइस फाइनली सर का टैटू कंप्लीट हो चुका है, जो सर ने अपने फादर का पोर्ट्रेट बनाया था। और फादर के पोर्ट्रेट का जो फोटो है वो बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हैं गाइस, एक स्मॉल सा पासपोर्ट साइज का फोटो है जिससे हमने एक पोर्ट्रेट बनाया। और नीचे थोड़ा सा एक कंजरफुल डिज़ाइन भी लिखा है और उस पर लिखा भी है माय डैड इज माय हीरो। तो सर का ये टैटू फाइनली कंप्लीट हो गया है और अभी प्लान है कि एक पीछे का जो टैटू है वो भी हमें करना है। तो अभी उस टैटू की स्टेंसिल मार रही है बच्ची, तो आज लगता है रात में काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाले। और वन मोर टैटू है जो आयुष भाई बना रहे हैं, और जिस भाई को टैटू बना रहे हैं बहुत ही तगड़ा रैपर है और बहुत तगड़ी रैपिंग करता है। तो आयुष भाई कुछ बताएं भाई के बारे में। भाई के बारे में क्या बताना है, भाई का रैप ही बताएगा, जो भी बताएगा भाई के बारे में। पहली बार टैटू नेटवर्क में आया हूँ, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के भैया लोग हैं, बहुत ही अच्छा लगा इधर आ करके, क्योंकि पहली बार कोई कहीं दूसरी जगह में रैप सुनने रैप परफॉर्म करने को मिला, ऐसे मिलता नहीं है। सो इधर बहुत अच्छा नेचर है। talisman hai talisman hai talisman meri legacy jo kamaya khilafat to gawaya sharafat kalam ki ibadat kar banaya virasat ab aafat mere kaam ki charo aur machne lagi ab jhoome wo bhi dhun pe mere jo mujhko nahi hai janati ab jhoome wo bhi dhun pe mere jo mujhko nahi hai janati seem gonna drip up and a vice picked up eyes never blink up aim is cleaned up never gonna flip up syllable stripped up lyrical criminal unfuckable visionary pinnacle biblical mythical critical cynical typical fictional visible gullible minimal visceral maximal fatal I'm a fucking rebel marne lage hain to kuch jalne lage hain khatar isme meri legacy न जाने अनजाने वो कागज मैंने फाड़ दिए जिनमें जिंदा मेरे बरसों की अतीत थी, न जाने कितने लब मैंने जिंदा गाड़ दिए जिनसे उड़ी मेरे लफ्जों पे छींक थी। Fuck it, bitch. तो गाइस आपको कैसा लगा भाई का रैप, प्लीज बताइएगा कमेंट में। भाई का टैटू कंप्लीट हो गया है, अभी वन मोर टैटू है भाई का। सो अभी मैं जितना बना हुआ है वो दिखाता हूँ। तो सर के ये जो फादर का पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं डिटेल गाइस, सो ये कंप्लीट हो चुका है। और ये नीचे उनका जो मीनिंगफुल वर्क था वो भी ख़त्म हो गया, सो आप देख सकते हैं फाइनल लुक। तो सर अभी तक टैटू कैसा लग रहा है? सर बहुत प्यारा। सो सेकेंड टैटू के लिए स्टार्ट करें? ओके सर, रेडी है। ओके गाइस फाइनली सर का टैटू कंप्लीट हो गया। सर ने अपने लोगों का टैटू करवाया है, ये टैटू बनाया है आयुष भैया ने। तो सर आपको टैटू कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टैटू, और निखर गया है मेरा लोगो। और ये टैटू नेटवर्क स्टूडियो को ज़रूर चेकआउट करना, पहली बार हम आए पर जय जय भैया से मिले, ऐसा नहीं लगा कि इनसे पहली बार मिल रहे हैं। बड़े भैया और ये आयुष भैया, ये भी बहुत ही बढ़िया, और जो शूट कर रहे हैं मेरा भाई जैसे एकदम बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है यहाँ पर, वाइब है बहुत बढ़िया एकदम। पहली बार मैंने टैटू करवाया पर दर्द ही नहीं हुआ, ऐसा लगा कि सब अपने हैं। सो जरूर आना यहाँ पर भोपाल टैटू नेटवर्क। थैंक यू चेकआउट। सो गाइस भाई रैपर है, प्लीज सपोर्ट एमसी राज, यू कैन चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम। ओके थैंक यू सो मच। टैटू नेटवर्क को भी फॉलो करो, बहुत टॉप जगह है, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा तुमको। फाइनली सर के टैटू की लाइनिंग खत्म हो गई, सभी आर्टिस्ट लोग घर चले गए हैं, आयुष भी घर चले गया है, बच्ची भी हॉस्टल चली गई है, बाकी बच्चे भी चले गए।
अब की भाई अभी फिलहाल तो रुका है मेरे साथ, तो सर का टैटू ऑलमोस्ट लाइनिंग वगैरह सब डन हो गई है, अभी फाइनल बचा है। तो सर को भी बहुत पेन हो रहा है, भूख तो सबको लगी है, थक गए। तो पहले खाना खाते हैं सर, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। तो खाना खा के हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, सो व्हाट्सअप गाइस, सो रात के बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। आप देख सकते हो पीछे घड़ी पे भी 3 बजने वाला है, और अभी भी टैटू कंटिन्यू चल रहा है। बीच में कुछ और टैटू आ गए थे, तो सर के टैटू में हमें ब्रेक लेना पड़ा थोड़ा सा। सो ऑलमोस्ट टैटू डन हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। हाइट डालने के बाद मॉर्निंग में मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊँगा। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, अभी टैटू भी ऑलमोस्ट डन हो ही गया है, बट लास्ट का सेशन में मॉर्निंग में सर यहाँ से निकलेंगे। सर कहाँ जाएंगे अपन? सागर। सर जाएंगे सागर, तो सागर की जो बस है उनकी लगभग 7 बजे, राइट? 7 बजे, तो सर को 6 बजे यहाँ फ्री, मतलब 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद ये जाएंगे सागर, तो उस टाइम पे मैं प्रॉपर टैटू क्लीन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये महाराज, इसने कहा था मैं रात भर जागूँगा, ड्राइंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और देखो आप। सो गाइस, फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया अपने सर का, और ये टैटू करने में थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा टाइम हो गया। हमारा सुबह हो चुका है, सुबह का 6 बजे, हम लोग ने टैटू रात में ख़त्म कर लिया था, वो ख़त्म करके हम लोग यहीं पे सो गए थे, क्योंकि भाई को भी जल्दी जाना था, तो बस यहीं से मिल जाएगी। सो अक्की भाई को देख सकते हो पूरे टाइम तक सोता ही रहा है, बस उसने कुछ किया नहीं है, ठीक है, बट चलेगा। बाकी भाई आपको टैटू पसंद आया ना? जी सर। अच्छा लगा यहाँ पे, मज़ा आया काम करके हमारे साथ? बात नहीं करता भाई ज्यादा, लेकिन भाई बड़ा गुड बंदा है। तो थोड़ा अपन टैटू क्लीन करवाता हूँ और दिखाता हूँ मैं टैटू का रिजल्ट। गाइस, अपने सर का टैटू फाइनली कंप्लीट हो गया है, और सर ने बनाया हाफ स्लीव टैटू, और बहुत ही मीनिंगफुल और कंसेप्टफुल डिजाइन था, जो कि फाइनल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उन्होंने ऊपर बनाया है वो फादर का पोर्ट्रेट है, नीचे डेड और बेबी बेटे का एक सिंबल है, डिजाइन है कंसेप्टफुल, और नीचे एक उन्होंने मीनिंगफुल थॉट भी लिखा है। और यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये कंसेप्टफुल डिज़ाइन में उन्होंने रोज़ लिखा है, फैमिली से रिलेटेड एक कोट लिखा है कि फैमिली इज़ ए ट्रू रिलेशन ऑफ गॉड्स केयर, और ऊपर एक क्लॉक बनाया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है टैटू फाइनल कंप्लीट होने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आया ना सर? जी सर, थैंक यू सर। जितना सर टैटू में मज़ा आया उतना ज़्यादा आप लोगों के साथ मज़ा आया। अरे भैया थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, आपका कितना अच्छा काम करके दिया सर।